अब हम पोलिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पोलिनेशन। आज का टॉपिक हमारा पोलिनेशन। पोलिनेशन कितनी तरह के होते हैं हमारे? दो। कौन कौन से? सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। कौन कौन से? सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के अंदर क्या होगा हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर है, ये फ्लावर का पार्ट है। इसमें जो ऊपर है रेड कलर, क्या है? रेड कलर। ये क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये जो हमारे पास येलो येलो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या है? एंथर। एंथर के पास ये क्या है? पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के पास आ जाए, सेम प्लांट हो और सेम फ्लावर हो, क्या हो? तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। और अगर यही प्लांट है हमारे पास और इसके अंदर एक फ्लावर ये है, दो फ्लावर हो गए, एक ये और एक ये, इन दोनों फ्लावर के अंदर क्या होगा हमारे पास? इस ये पोलन ग्रेन जो हैं इस फ्लावर से इसके स्टिग्मा पर चले जाएं दूसरे के, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस। क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। और इसी के ये पोलन ग्रेन जो हैं किसी, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है हमारे पास सेम काइंड, क्या है? सेम काइंड। और फिर उसके ऊपर भी क्या होंगे? सेम फ्लावर। यहाँ से उस पर चले जाएं तो वो क्या होगा हमारा? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन। जो क्रॉस पोलिनेशन होगा वो किस किस के द्वारा हो सकता है? एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक कैसे जाएगा पोलन ग्रेन? वाइंड और बर्ड्स, ठीक है, इनके द्वारा वो क्या होगा? दूसरे प्लांट पर चला जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस